तो स्टार्टिंग में हम काफी आर्मी, इंडियन मिलिट्री और इंडियन एयरफोर्स, मतलब इंडियन आर्मी की वीडियोस करते थे और लोग हमें बोलते थे आप सिर्फ आर्मी की वीडियोस करते हो, कोई और भी कीजिए। अब हम थोड़ा कोई और करने लगे हैं, फिर बोल रहे हैं कि आप आर्मी की वीडियो नहीं करते कोई भी। तो हमने सोचा कि अब हम हर तरीके की कर चुके हैं, जैसे हर एक रेजिमेंट लगभग, सारी नहीं क्योंकि ऐसी तो बहुत है, हम काफी कर चुके हैं, पैरा एसएफ, फिर सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स, डोगरा रेजिमेंट, एयरफोर्स, नेवी, मरीन, मार्कोस, पता नहीं, और निंजा, ऑलमोस्ट काफी वीडियोस हमने कर चुके हैं। पर अब हम ये थोड़ी अलग किस्म की हमें वीडियो मिली कि द सेवियर्स, ऑब्वियसली वो जो हमारी आर्मी है वो हमारी सेवियर ही है, और इसमें पता नहीं कौन सी फुटेजेस वो दिखाएंगे, हम एक्साइटेड है देखने के लिए। और उससे पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इनका चैनल जाके भी सब्सक्राइब करें, काफी मेहनत करते हैं ये, और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। वार्निंग, दिस वीडियो माइट ट्रिगर यू इमोशंस एंड बिलीव्स। ओ कॉस 10 use headphone for better experience. Energy, ये काफी वीडियो वायरल हुई थी, देखी है? I'm walking alone, the streets are empty. ITVP. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. वाह यार, अच्छा वो पानी में है। गर्ल, गर्ल से सॉन्ग गर्ल किया। हाँ ये तो काफी आती रहती हैं, अभी काफी ये आ रही है वीडियोस और फोटोज। ये मतलब कि जो इन्होंने स्टार्टिंग में वार्निंग दी थी कि इमोशनल, वो सच में इमोशनल हो गए थे, और सिर्फ इंसान को ही नहीं वो दिखा रहे थे, वो सांप को कैसे पानी पिला रहे थे यार। एनिमल्स के लिए भी सेवियर्स हैं। चलो
और सांप भी आ रहे हैं, डर लगता है, पानी पिला रहे हैं, डॉग्स को खाना खिला रहे हैं, हाँ, उनको वो बचा रहे हैं, से बचा रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। अब ये जो जो इन्होंने वो वाली वीडियो दिखाई वो काफी आती रहती है कश्मीर से कि वहाँ पे रास्ता बंद हो गया बर्फ के कारण और वो उठा के बीमार है, वहाँ से उठा के उन्हें एम्बुलेंस मतलब वहाँ तक पहुँचाते हैं, हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। और अभी तो एक पिछले हफ्ते की शायद न्यूज थी 10-15 दिन पहले की, वो प्रेगनेंट लेडी होती है उसको भी उठा के आर्मी वाले राष्ट्रीय राइफल्स वाले वो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। और फिर उसके बाद उसके इंटरव्यू आता है उनके परिवार का कि वो जो उसके हस्बैंड होते हैं उसका इंटरव्यू आता है कि उन्होंने आर्मी वालों ने हमें बचाया और काफी मदद की, फिर वो काफी शुक्रिया उनका अदा करते हैं। उनकी सिर्फ बेशक ऐसा कुछ नहीं है कि उनको सिर्फ गोली चलाना ही आता है पर प्यार बांटना भी आता है उनको। वो चाहते हैं कि अब वो थोड़ी चाहते हैं कि हम वहाँ पे कश्मीर में जाके ये चीजें करें, वो चाहते हैं कि सब प्यार से रहे, शांति बनी रहे यहाँ पे। पर अब वो कुछ एलिमेंट्स होते हैं हर जगह, वो उनको वो बाज नहीं आते हैं, फिर उनको वो हथियार उठाने पड़ते हैं और उनको सबक सिखाना पड़ता है। सही पर वो भी है कि उसके साथ में जो सरेंडर करता है वहाँ पे उसको वो सरेंडर करने का मौका भी देते हैं, उनको पता है ये बच्चे भटक गए हैं और अगर वो वापिस आना चाहते हैं, जैसे वीडियोस आती रहती हैं कि अब 3-4 महीने पहले आई थी कि वो सरेंडर करता है, उनके पेरेंट्स से मिलाते हैं उनको, उन्हें सुधरने का मौका देते हैं, फिर पढ़ाई उनको पढ़ाते हैं बच्चों को वहाँ पे, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाते हैं, बुक्स फ्री में बांटते हैं, अगर कोई त्योहार हो उनको स्वीट्स वगैरह बांटते हैं, साथ में खुशी का माहौल उधर क्रिएट करते हैं। और सच में इन सबको सल्यूट है हमारी तरफ से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इंडियन आर्मी कि ये चीजें आपको पसंद आई और आपको प्राउड है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।